हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, पॉसिबल 11 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मैच वीडियो है आप सभी के सामने। न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला का मैच खेला जाएगा उसके लिए फ्रेंड्स हमने T20 श्रृंखला देखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, पर मैचेस में पानी ने खलल डाला बहुत। तो दोनों ये टीम्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 आपके सामने दिए गए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए प्लेइंग 11। इन पर आप थोड़ा भरोसा कर अपनी टीम को अच्छी बनाने की कोशिश कर सकते हैं विद द बैटिंग ऑर्डर एंड बोलर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करेंगे तो विल यंग एक नया नाम हम देख सकते हैं। डोमेस्टिक सर्किट के एक अच्छे प्लेयर है विल यंग, टॉम लेथम के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। केन विलियमसन इस टीम के कैप्टन वापस, फिर रॉस टेलर दिखेंगे, हेनरी निकोल्स हैं, टॉम ब्लंडन है, डैरन मिचेल मेरे हिसाब से एक लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के ज़्यादा अच्छे प्लेयर है रादर दैन टेस्ट मैच। फिर टेम साउदी एक अच्छे बॉलर एक्सपीरियंस, नील वैगनर टेस्ट में बहुत घातक साबित होते हैं, स्पिनर के रूप में एजाज पटेल और ट्रेंट बोल्ट। फास्टर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात बोलूँ तो क्रैग ब्रैडफर्ड और जॉन चैम्पल दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। वन डाउन के प्लेयर यानी तीन नंबर पर दिखेंगे डैरन ब्रावो, शिमरन हेडमायर और रॉस्टन चेस, ये दो अच्छे मिडल ऑर्डर के रूप में दिखेंगे। फिर ब्लैकवुड एन के पास जेसन होल्डर कप्तान, एक अच्छी ऑलराउंड एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं जब भी वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं खास तौर पे। फिर इनके पास शेन डाउरेज है, बहुत नीचे तक बैटिंग है। फिर खमार रोच, शैनल गैब्रियल और अल्जारी जोसेफ, एकमात्र स्पिनर जो कि है वो है रॉस्टन चेस, वो भी ऑलराउंड एबिलिटी के साथ आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, केन विलियमसन जैसे मैंने कहा कि वापस आ चुके हैं, इसमें आपको 100 रुपये के गिव अवे में मेरा रेफरेंस यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। फ्रेंड्स ज़रूर इंस्टॉल कीजिए हमारी एप्लीकेशन पॉसिबल 11 और उसका रेफरल कोड है Capital Y Capital T, नीचे दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक इट आउट। आगे बढ़ते मैच रिव्यू की ओर, तो सबसे पहले बात करूंगा न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में जैसा कि मैंने कहा, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर और विलियमसन, ये तीन मेन स्तंभ वापस आ चुके टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ पर आपको दिखेंगे। टॉम लेथम, विल यंग ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, विल यंग एक नया नाम है। वहीं विलियमसन, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, एक अच्छा मिडल ऑर्डर इनका, डैरन मिचेल और टॉम ब्लंडन जैसी ऑलराउंड एबिलिटी। फिर आगे बढ़ते हैं हम विलियमसन की ओर। विलियमसन इस टीम कप्तान, बहुत घातक बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। एजाज पटेल स्पिन डिपार्टमेंट देखेंगे, विकेट कीपिंग शायद टॉम ब्लंडन करते हुए दिखे या फिर टॉम लेथम, दोनों में से एक कोई करेंगे। दो कीपर इनके पास साउदी है, फिर नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट। इनके पास फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, पर वेस्ट इंडीज़ के पास भी कोई ख़राब बॉलिंग नहीं है। वेस्ट इंडीज़ T20 में तो अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि ग्लेन फिलिप्स और लॉकी फर्गुसन ने न्यूजीलैंड की तरफ रुख को बहुत झुका दिया। फिर आगे बात करते हैं इस मैच की, तो क्रैग ब्रैडफर्ड, जॉन चैम्पल देखेंगे ओपनिंग करते हुए, डैरन ब्रावो, शिमरन हेडमायर, रॉस्टन चेस, ये कुछ मिडल ऑर्डर के नाम है। चेसन होल्डर पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि वो ऑलराउंड एबिलिटी को लाते हैं अपने साथ और बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं ये। फिर इनके आगे बात करो तो शेन डाउरेज भी देखेंगे एज एन बैट्समैन, एक अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। और फिर रॉस्टन चेस स्पिन करेंगे, अल्जारी जोसेफ, खेमार रोच, होल्डर, शैनल गैब्रियल, अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक है इनकी। हेड टू हेड की बात हो तो 13-12 का है, बहुत ही क्लोज है मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड की तरफ थोड़ा सा पलड़ा भाड़ा है, दोनों ही में फेयर अमाउंट ऑफ कंपटीशन देखने को मिलते हैं। विनिंग प्रेडिक्शन की बात हो तो न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर विलियमसन, बोल्ट, नील वैगनर वापस आ जाएंगे, कंडीशन फेवर करेगी बोलर्स को, तो न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग उतनी कंसोलिडेटेड नहीं रहती है। फैंटेसी टिप्स यहाँ पर आप कुछ चेकआउट कर सकते हैं, कुछ पिक्स, स्मॉल लीग के मस्ट पिक्स, ग्रैंड लीग के रिस्की पिक्स, की प्लेयर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, की प्लेयर्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ विद द फॉर्म एंड क्रेडिट्स एंड पॉइंट्स। फाइंस तो अभी सबके पास जीरो है। पिच रिपोर्ट की बात हो तो 3:30 ये रात में ही मैच शुरू हो जाएगा, थर्सडे यानी कि थर्सडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग शेल्डन पार्क हैमिल्टन में मैच खेला जाएगा। फेवर करेगी फास्ट बॉलर्स को, बॉल हिलते हुए दिखेगी, लाल गेंद, और पहले जो भी जीतेगा टॉस पहले बॉलिंग पसंद करेगा मेरे हिसाब से। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो सेकेंड डे में बारिश की संभावनाएँ हैं फ्रेंड्स, पर क्योंकि एक बॉलिंग विकेट है तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच ड्रॉ की ओर जाएगा, मुझे लगता है ये मैच जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा चौथे दिन या पांचवें दिन। स्कोरिंग यहाँ पर स्टैट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये हैं कुछ आंकड़े। चलिए फिर चलते हैं टीम बनाने के लिए हमारी एप्लीकेशन पे ही।
तो फ्रेंड्स आपके सामने जीएल की टीम है, यहाँ पर पॉसिबल है उनकी जीएल की टीम देख सकते हैं, कैप्टन जेसन होल्डर, रॉस टेलर वाइस कैप्टन, विलियमसन, चैम्बर, लेथम, रॉस्टन चेस, डैरन मिचेल, एक अच्छा नाम जो कि जीएल में मैं देखना चाहता था, टॉम ब्लंटन भी एक जीएल की अच्छे पिक हो सकते हैं, फिर साउदी खेमा, रोच, नील वैगनर, अच्छी टीम है फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी टीम है। एसएल टीम की यहाँ पर बात हो तो होल्डर, विलियमसन, कैप्टन, वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन, मैं भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा, कैप्टन जेसन होल्डर जरूर रहेंगे, बैटिंग भी करते हुए देखने को मिलेंगे और बॉलिंग तो करते ही है बहुत अच्छी। फिर विलियमसन एज एन कंसोलिडेटेड बैट्समैन मैं वाइस कैप्टन बना सकता हूँ, लेथम आपके पास एक और ऑप्शन है सेफ बैट्समैन के रूप में, विलियम को मैं खिलाना चाहूँगा, डैरिल ब्राउन को मैं खिलाना चाहूँगा या फिर क्रेग ब्रैडफोर्ड या फिर चैम्बर, इनमें से किसी एक को आप ज़रूर खिलाएं। बॉलर में गैब्रियल, बोल्ट, वैगनर, टिम साउदी, ये बहुत अच्छी अटैक के रूप में दिखेगी। तो ये हुई हमारी कुछ, अब एक यूज़र की टीम देखें, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्रैक ब्रैडफोर्ड इनकी टीम में, डैरन मिचेल है, एजाज पटेल है, मुझे नहीं लगता एजाज पटेल का ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा क्योंकि स्पिन विकेट नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारी टीम की ओर, तो हम टॉम ब्लंडन को पिक करेंगे एज एन कीपर चॉइस। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं विलियम को मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा, टॉम लेथम, केन विलियमसन, तो रॉस टेलर को भी अपनी टीम में रखना चाहता हूँ, हेनरी निकोल्स भी एक अच्छे बैट्समैन के रूप में देख सकते हैं आप इन्हें, मैं डैरन ब्रावो फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ रखना चाहूँगा और फिर लास्ट में देखेंगे किसी को गुजार सकते हैं। तो होल्डर और ऑस्टिन चेज ये तो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, जिन्हें आप अपनी टीम में ज़रूर रख सकते हैं। फिर बोलर्स पे आते हैं तो बोलर्स में सऊदी के साथ आप जा सकते हैं, पर मैं जा रहा हूँ नील वैगनर को, आप टीम में ज़रूर रखें, बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। शैनल गैब्रियल को आप रख सकते हैं अपनी टीम में, वेस्ट इंडीज़ में एकमात्र जो स्विंग या सीम अच्छा करते हैं, इनकी गेंद लहराती है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। फिर आप सऊदी के साथ रह सकते हैं या फिर ट्रेंट बोल्ट, मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जा रहा हूँ, और फिर आप सऊदी को भी दे सकते हैं क्योंकि ये फुल डिफ्लेज टीम बना सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं एक अच्छे अटैक के साथ, क्योंकि यही कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड मुझे लगता है डोमिनेट करेगी, जल्दी आउट कर लेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम को, और वेस्ट इंडीज़ की फिर न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर लक्ष्य हासिल कर सकती है, ऐसा हो सकता है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हो तो मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूँ विलियमसन को, और कैप्टन बनाऊँगा मैं होल्डर को। अब विलियमसन कुछ आपके विलियमसन के साथ एक और गैम्बल हल्का सा खेल सकते हैं, थोड़ी सी सेफ टीम नहीं बना के हल्का सा रिस्क लेके, ताकि आप कॉम्पिटिटर से थोड़े अलग दिखे, मैं लेथम को बना रहा हूँ वाइस कैप्टन, पर जो भी ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं दे कैन गो विथ केन विलियमसन। तो ये मेरी टीम है, मैं लेथम को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। एक और रिस्क है हमारे पास कि विलियम को हमने पिक किया हुआ अपनी टीम में, देखो अच्छी कंसोलिडेटेड टीम दिख रही है, मात्र 4 प्लेयर हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ से आ रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर 7 प्लेयर न्यूजीलैंड से आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबमिट कर देते हैं टीम को,